अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारिस बास में है, मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल यह है कि अगर कोई शख्स किसी को कर्ज़ देता है, अब वो रमज़ान में दे या उससे पहले, और अगर वो कर्ज़ अदा नहीं कर पा रहा, तो उसको अगर सदक़ा दे दिए, खैरात दे दिए बोल के छोड़ दिए, तो चलता क्या? भाई ने अच्छा सवाल किया कि अगर किसी शख्स पे आपने उधार दिया हो रमज़ान या गैर रमज़ान, और वो शख्स वापस नहीं कर पा रहा हो, तो क्या उस शख्स को आप सदका या खैरात बोलकर आप खर्च छोड़ सकते हैं? बिल्कुल छोड़ सकते हैं, और ये सदका और खैरात अल्लाह कबूल भी करेगा। समझ लीजिए, आपका एक भाई है, आपने उसे उधार दिया, और याद रखिए उधार देना किसी को, इसका अजर मालूम आपको सदक़े के मुकाबले में 18 दर्जे ज़्यादा, सही रिवायत है। उधार देना किसी को पैसे, उस सदक़े के मुकाबले में 18 दर्जे ज़्यादा सवाब है, इसलिए कि आप आपकी भाई की मदद करें और वो मांगता नहीं है, आपसे उधार ले रहा है। समझ रहे आप? और फरमाया कि आप सबने कि अगर किसी ने कोई सदका दिया और जिस तारीख को वापस करने का नहीं दे पाया, तो हर रोज़ जितने दिन आप मोहलत देंगे, उतने दिन इंशाअल्लाह आपको उतने रुपये सदका करने का सवाब भी मिलेगा। देना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए। अब मसला ये होगा कि बेचारा डूब गया, खल्लाश हो गया, नहीं दे पा रहा है, और रमज़ान की निस्बत से आप सोचते हैं देना चाहिए, खैरखाई का महीना है, एक दूसरे की मदद करना चाहिए, छोड़ देता हूँ, सदका कर देता हूँ, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, आप उसको सदका कर सकते हैं, या खैरात भी बोलते हैं आम जबान में, मतलब जिससे खैर आती है। देखिए नाम भी अच्छा है उर्दू में, खैरात मतलब जिससे खैर आती है, तो बहरहाल कर सकते हैं आप उसको सदका कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको उसका अजर मिलेगा। जितने दिन ढील दी उसका भी अजर रोज़ सदक़े का, और जब आपने छोड़ दिया इंशाल्लाह सदक़े का, उसका भी इंशाल्लाह आपको अजर मिलेगा।